I have to ask, what's so cool about unboxing? Somebody opening. I mean, everyone likes it on the internet, actually. कैसे हो दोस्तों? Happy Diwali. मैंने सोचा इस दिवाली अपने आप को एक दिवाली गिफ्ट देता हूँ. सोन पापड़ी नहीं, एक आईफोन. आईफोन 12 प्रो मैक्स, राइट? प्रीमियम. हाँ, प्रीमियम गोल्ड कलर, 512 GB. ऑल्स सिंबल्स भी बने हैं यहाँ पे, और चार्जर नहीं है लेकिन केबल तो दी है. मैं सोच रहा था केबल भी हटा दी इन्होंने चार्जर के साथ साथ. तो मैंने सोचा इस फोन को जब मैं खोलूंगा और यूज करके दिखाऊंगा, आपको भी थोड़ा दिखाता हूँ, थोड़ा आपको भी मजा आएगा देखने में डिफरेंस क्या है. अभी तक मैं आईफोन 11 प्रो मैक्स यूज करता आ रहा था सारे व्लॉग्स बनाने के लिए. आप पूछोगे तो ये फिल्म किससे किया जा रहा है? ये DSLR कैमरे से फिल्म किया जा रहा है. और हम इस कैमरे को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है इस कैमरे को इस्तेमाल करना. मुझे तो यकीन नहीं होता कि मुंबई कर निखिल जैसे लोग कैसे यूज कर लेते हैं. हर जगह इतना बड़ा DSLR कैमरा लेकर घूमते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर हम करेंगे. मान लो स्नो में पहाड़ियों पर जा रहे हैं तो कहाँ इतना बड़ा कैमरा लेके चलेंगे, उसकी अलग से बैटरी का ध्यान रखना, ये रखना. तो इसने अभी तक बहुत अच्छा काम किया. पिछला व्लॉग भी सारा इसी से ही शूट किया गया था, तो आप देख सकते हो हाई क्वालिटी तो बहुत है इसकी कैप्चरिंग. तो मैंने सोचा एक अच्छे कैमरा में पैसे इन्वेस्ट करने की जगह एक बेस्ट फोन ही खरीद लेते हैं यहाँ पर, जिसका बेस्ट कैमरा हमें मिलेगा. वो एक ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट रहेगी. पैसे में ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि DSLR कैमरेज भी उतने में ही मिलते हैं, बल्कि उनका जो ये क्या बोलते हैं गिम्बल होता है वो और भी हैवी होता है कैरी करना. पहले पीछे भी फिल्म लगी होती थी, अब पीछे कोई फिल्म नहीं लगी इस पे. और एजेस बहुत ही ग्लॉसी हैं, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है गोल्ड कलर का शीशा लगा हुआ है यहाँ पे. Are you gonna be objective or are you gonna, because you love iPhones and I know you do. So you're like, I got the best phone. Everybody knows it's the best phone, the best camera. The reason I prefer iPhones is because they're simple. The other ones are more complicated. But have you tried Android? I've never tried Android phone. It's just harder to decide which phone to buy in Android, I think. With iPhone, it's like, you know, the latest phone released, you can trust that it's the best camera. There's no Well, I only go to the supermarket that offers me one type of food, so that I don't have. पर हाँ, ये कोई technical proper review नहीं है. मैं कोई tech YouTuber नहीं हूँ जो इनको properly analyze करूँगा. मैं बस अपने use case से analyze करूँगा. मेरे पास iPhone 11 Pro Max है, 12 Pro Max है, तो difference देखूँगा क्या आया है इसमें real life usage में, क्योंकि मैं vlogs बनाता हूँ इनसे, videos बनाता हूँ, उसमें क्या difference देखने को मिलता है इसमें. I thought you were technical Rati G. टेक्निकल राठी जी. चलिए शुरू करते हैं. तो ये रहे दोनों फोन. एक कवर मैंने गलत ले लिया इस बारी, बहुत ही पुराना सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है कि 90s के टाइम का फोन हो, कुछ नहीं होता लेकिन चेंज करा लूंगा. लेकिन देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पर. कैमरा सेटिंग्स में एक नया ऑप्शन आ गया है, HDR वीडियो. इसे मैं ऑफ ही रखना बेहतर समझता हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया इसमें शूट करने की. आप इसी फोन पर इस वीडियो को देख सकते हो. अगर आपके पास HDR डिवाइस नहीं है, Dolby Vision वाला डिवाइस नहीं है देखने के लिए, तो कोई फायदा नहीं है इससे शूट करने का. और बाकी फोन्स में, बाकी लैपटॉप्स में देखने में फिर प्रॉब्लम होती है इससे. और दूसरी चीज ये, अगर मैं दोनों को फुल ब्राइटनेस पे करता हूँ तो नए वाला फोन थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट है और थोड़ा सा येलोइश शेड का दिख रहा है. हालांकि दोनों की सेटिंग सेम है, ट्रू टोन ऑफ है, कोई नाइट मोड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा येलोइश टिंट है इस नए वाले फोन में. और साइज में भी देख लो, लेंथ में देखोगे थोड़ा सा बड़ा है और विड्थ में भी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है साइज में. तो अब रियल लाइफ टेस्ट करके देखते हैं कैसा चलता है आईफोन 12 का कैमरा. बाहर चल के मैं दोनों कैमरे को अलग अलग सिचुएशंस में टेस्ट करूंगा. उम्मीद है इससे बहुत ज्यादा कि ये जो पिक्सेलेशन होती है रात में ये इंप्रूव होगी. देख रहे हो ना, पिक्सेलेटेड सा लग रहा है. जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है इनके फोन ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हैं. गेस करो कौन से फोन ने कौन सी फोटो ली. बहुत ही चौंका देने वाला एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह हैं तो मैंने सोचा जो फोटो ज्यादा ब्राइट थी वो आईफोन 12 ने ली होगी, लेकिन ये सच नहीं है. वो इनफैक्ट आईफोन 11 ने ली है दोस्तों. मैं भी चौंक गया इसे देखकर. मैं सोच रहा हूँ क्या है भैया. मैं समझा नया फोन है तो ज्यादा ब्राइटनेस के साथ फोटो लेगा. और वैसे जो इन्वायरमेंट थी इस फोटो की वो बिल्कुल ही पिच डार्क थी, ऑलमोस्ट आंखों से कुछ भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था. शॉकिंग रिजल्ट है मेरे हिसाब से. तो ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है. How is it? Both the cameras.
I mean, one is very dark and the other one is way more brightened up, and one I can hardly see. Yeah, because in reality we see nothing almost here, right? Yeah. Like nothing. It's very pitch dark here, there's no lights. I mean, it's blurry in both, I'd say. But one is more like a night sight. Can you switch device. To 2.5 and 2x in both of them? One has 2.5 actually. Yeah, that's the difference. Is there a difference? I mean, one is still dark and one is still brighter. But in 0.5, I'm 0.5? Sorry to say, but there's no difference. In 0.5, there is no difference? I don't see you anymore. Ah, that sucks. That means in the night, we still can't use this extra wide angle camera for vlogs. Even this, nobody wants to see this quality of vlogs in the night. Yeah, yeah, but this is really pitch dark. No one wants to. It is we very, never very go dark. In this darkness. लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है इसमें बहुत डिफरेंस है क्लियरली, और ये एज एक्सपेक्टेड आईफोन 12 में बहुत बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है आईफोन 11 वाली फोटो में, तो क्योंकि वैसे भी मैंने जैसे कहा पिच डार्क था, तो इसका जो नाइट मोड है अब वो शायद काम आ रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए. I mean, slightly, the trees are less blurry in the new one. Yeah. But overall, you don't really see much. Like, I don't think there's a big advantage in having the trees less blurry or something. Wait for me. Front camera ko bhi normal light mein bhi test kar lete hain, kaisa chalta hai. Lagta nahi front camera mein zyada difference hoga yahan pe. Aapko kya lag raha hai? अब जब लाइट कंडीशंस नॉर्मल है मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि दोनों फोन्स में ज्यादा डिफरेंस होगा एक्सेप्ट इन स्टेबलाइजेशन. तो देखकर बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है चलते हुए. अभी मैं नॉर्मली हाथ में पकड़ के चल रहा हूँ, भाग कर चल के देखता हूँ किसमें ज्यादा स्टेबलाइजेशन है. और सेम चीज 0.5x में, और इनकी जूम लेंस में. क्या कहा जा सकता है ओवरऑल कंक्लूजन में, मैंने ये देखा है कि 0.5x में जो फोटो है रात में वो ये ज्यादा अच्छा लेता है नया वाला फोन, और वीडियो है 0.5x में वो उसमें ना के बराबर फर्क है, लेकिन 1x में जो वीडियो है वो ज्यादा अच्छा है, और 1x में जो फोटो है उसमें ना के बराबर फर्क. लेकिन इन दोनों चीजों के अलावा मुझे नहीं लगता इसमें और पुराने फोन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है. आपने देखा ही जब लाइट अच्छी थी तो दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम से दिखते हैं. तो ओवरऑल मैं कहूंगा अगर आपके पास पुराना फोन है तो कोई एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है फोन लेने की, लेकिन और अगर आप नया फोन लेने की सोच रहे हैं तो भी मुझे लगता है कि आईफोन 11 प्रो ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि काफी सस्ता है इस नए वाले के कंपैरिजन में और ज्यादा फर्क नहीं है दोनों फोन्स में. लेकिन मेरे लिए पर्सनली क्योंकि ब्लॉग्स बनाने हैं हमें और रात में हम बहुत ब्लॉग्स बनाते हैं, तो मुझे लगता है कह सकते हो शायद वर्थ इट था. वैसे ये वाला व्लॉग थोड़ा इंटरप्शन था नॉर्मल व्लॉग्स के फ्लो में, अगले व्लॉग से फिर से वही ट्रैवल हमारा कंटिन्यू रहेगा. लेकिन आपको ये वाला व्लॉग लगा कैसा, क्या हमें और घर पे व्लॉग्स बनाने चाहिए, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ अगर ऐसे व्लॉग्स और देखना चाहते हो तो आप.